ये तो जी इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे। अब जिस तरीके से ये है मीन्स हाँ जी के जो है वो आपकी एक्सपर्टीज में ये आता है कि आप इस तरीके की जो है वो अगर आपको कोई कहे कि मुझे जो है वो इसका लेबल बनाना है तो आप ये लेबल इनोवेट करके दें। जी सर हम ये करते थे। जी अच्छा आप ये करते थे, सही है। शटर स्टॉक का पता है फिर आपको, सर शटर स्टॉक का पता है, शटर स्टॉक का। नहीं इतना वो नहीं, अभी मैंने प्रैक्टिस की छोड़ आई थी, फिर मैं कंप्लीट मतलब कोर्स तो कर लिया था यहाँ अच्छा के, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने कहा था मतलब मैंने छुट्टी ली हुई थी थोड़ी सी, तो अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा था आना आपको वहां पे जॉब भी दिलवा देंगे ये, फिर मैं गई नहीं दोबारा। अच्छा खैर ये जो है देखें जिस तरीके से ये है ना, अब यहाँ पर जो है वो ये जो सेलर होते हैं वो अमेजोन जो है वो अलाउ करता है कि आप ना यहाँ पर 7 इमेजेस जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, सही है। तो इस ठीक 7 इमेजेस को जो है वो बनाने के ना बेसिकली क्या होता है कि लाइक के जो है वो लोग चार्ज करते हैं, आप यूँ समझ लें कि 300 to $400 तक, सही है, डिपेंड्स ऑन के वो यहाँ पर आप वो अपनी स्किल्स को इधर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ बेसिकली लोग करते क्या है इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट, स्पेशली सप्लीमेंट आपको बता रहा हूँ, सही है। एक ये है ठीक अच्छा अब जो है वो ये एक प्रोडक्ट है, सही है, और इमेजेस चाहिए और थोड़ा इमेजेस, सही है, या मैथ करीब कर लें। अच्छा अच्छा मींस के मुझे जो है वो लाइफस्टाइल इमेजेस चाहिए। तो लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि जब जहां पर आप प्रोडक्ट का जो एक्चुअल जो यूजेज हो रहा होता है, जिस मतलब कि जो मींस के प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जब उसका रियल टाइम यूज होगा तो वो फिर कैसी जो है वो आपको लुक एंड फील देगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी लाइफ स्टाइल इमेजेस है, सही है, कि मींस जहाँ पर एक्चुअली वो प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि अब जिस तरीके से ये देखें कि अगर आपने जो है वो डिजाइनिंग कर रखी है तो आप खुद देखेंगे कि इसके अंदर एक तो जो है वो थीम यूज हो रहा है, सही है, वो आपको खुद जी को भी जो है वो नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। जी आप अगर सर इसके ऊपर जो है वो गौर करें तो आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ ना, ये एक थीम यूज किया हुआ है, एक इस डब्बी का जो लेबल है वो भी बेसिकली इनसाइड ग्रीन है, ऐसे ही है थोड़ा बहुत यस मीन्स। और बाकी यस जो है सर वो बाकी इमेजेस का पैटर्न भी इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रीन में रखा हुआ है, ऐसे ही है। तो जी सर इसके लिए फिर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं फाइवर एंड अपवर्क से जो है वो इस तरीके के ऑर्डर पकड़ते हैं कि हम आपको जो है वो इस तरीके की बनाएंगे, और वो जाते हैं शटर स्टॉक के ऊपर। अब इस तरीके से ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो ये प्रोडक्ट आई हुई थी, ठीक है, मैंने इसकी जो है वो इमेजेस बना के देनी थी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूंगा, क्या अब जिस तरीके से ये देखें, अब यहाँ पर ये आ गए, सही है। अब आप क्या करेंगी, इस पिक्चर को यहाँ से उठाएंगे, सही है, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर इसको आप अब ये आगे का काम तो आपको पता ही है, अब आप जाएंगे फिर इसके हाँ जी ऊपर जो सर है वो बिल्कुल ये वाला लेबल उठा के सारा इसके ऊपर पेस्ट करेंगे एंड सो ऑन, आप ना बना देंगे इसको एक, ये आपकी जो है तो लाइफ स्टाइल इमेज बन गई, ऐसे ही है, सही जी है। सर देन सो ऑन इस तरीके से चलें जी, एक आपकी यू बन गई, सही है। देन जो है वो दूसरी आपने उठाई चलें जी, जो है वो एक्सरसाइज करते हुए जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो लाइक जिस तरीके से ये है देखते हैं, आप जनाब कोई बंदा जो है वो बैठा हुआ है साथ, अब ये बेसिकली अब आप खुद ही देखें ना, ये जो हेम्प क्रीम है ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये मीन्स के जिनके ज्वाइंट वगैरह का प्रॉब्लम होता है या जो भी होता है, सही है। तो हाँ जी ये देखें नेक पेन और सो ऑन इस तरीके के जो होता है तो वो मीन्स उसके जो है वो उसको रिजॉल्व करती है। तो वही आप जो है वो यहीं पर सर्च करें, सही है, यहाँ से आपको जो है वो इमेजेस मिल जाएंगी, सही है, और वही उन्हीं ठीक उधर उधर से जो है वो उसको उठा के आप जिस तरीके से ये देखें, सही है। तो
ये चीज जिस तरीके से ये एक जो है वो, अब आपने इसको किस तरीके से इस आइडिया को जो है वो फिट करना है, ये लाइनें लगाना बंद कर दे प्लीज, सही है अपनी पिक्चर के अंदर। तो अब ये उस फोटोग्राफर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि वो कितना स्किल्ड है, सही है। तो ये जो आपकी फोटोशॉप की, अगर आप समझती हैं कि एक अच्छी आपके पास एडिटिंग स्किल्स हैं मतलब, और आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको किसी भी जो भी चीज़ आपको दी जाए आप उसको एडिट वगैरह कर सकती हैं, तो ये एक आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। बल्कि इसके अंदर जो है वो अगर जो है वो आप जो है वो मुझे बता देंगे, सही है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, फिर उसमें जो है वो चेक कर लेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज है वो किस तरह की है, ठीक है। ठीक है, अगर हाँ जी, अगर वाकई जो है वो हुआ तो इसके अंदर जो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि वैसे तो अपवर्क के ऊपर ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग की नीच है बहुत कंपेटिटिव है, ऐसा ही है। तो हाँ जी। बट ये है कि इन केस ऑफ अमेजोन, सही है, वो बहुत उसके ऊपर कम कंपटीशन है, सही है। और इसमें जो है वो पे भी आपको बहुत ज्यादा अप टू बहुत ज्यादा हाई पे करते हैं, सही है। हाँ जी सर, मैंने देखा है कि जो है वो अक्सर वैसे जो है वो इमेजेस एडिटेड करवानी हो तो वो $5 $10 में, सही है, और इसी तरीके से 15 या $20 में, इतने में जो है वो बड़े बड़े आपको डिजाइनर मिल जाते हैं जो कि आपको इस पे काम करके दे देंगे। बट ये है कि ये क्योंकि जो है वो अमेजोन से रिलेटेड हो जाती है, तो इसके फिर जो है वो जो आपका क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो आपके मिलने के रिच किस्म का होता है, सही है। तो आपको फिर पे भी वो ठीक उसी जो है वो लिहाज से करता है, तो वो जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है वो आप उसको जो है वो यहाँ पर यूज कर सकती हैं, ठीक है मेरे लिए फायदेमंद है ये कोर्स। जी। बिल्कुल ऐसे ही है जो है वो, अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ ना, ठीक है, कि जी अब जिस तरीके से ये देखें आप, सही है। अब ये सर, कहता है कि आई क्रिएट इमेजेस फॉर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, एडवांस कंटेंट फॉर अमेजोन EBC जिसको बोलते हैं हम लोग, ये शायद आपने अगर शुरू से लिया तो आपको पता होगा, अदरवाइज जो है वो मे बी उसको मिस हो गया हो आपसे। तो आई मेक योर प्रोडक्ट प्रेजेंटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द बायर्स, ठीक है। तो अब आप जो है वो इसको देखेंगे, अब ये देखें जो है वो अब इसकी भी स्किल्स आपके स्किल्स की जैसी हैं, अडोब फोटोशॉप है, फोटो मैनिपुलेशन है, सही है, और इसी तरीके से अडोब प्रीमियर जो है वो प्रो है इसमें, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करती है करता है ये जो भी है ये, सही है। और इसके बाद इसने जो है वो अपना सेट ऑफ इमेजेस फॉर अमेजोन, ठीक है, तो ये उसने रखा हुआ है, उसका पोर्टफोलियो बनाने की वीडियो ओपन हो रहा है, सही है, पता नहीं इसने इमेजेस ही एक डाली हुई है। तो इस तरीके से जो है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जिस जैसे ये है तो आप अपनी एक ऐसी प्रोफाइल जो है बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है, और ठीक। इसको जो है वो अगर आपको प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो ठीक है, अगर जो है वो अपवर्क आपकी प्रोफाइल नहीं अप्रूव कर रहा तो फिर आप मुझे बताएं, वो कोई मसला नहीं है, वो ठग से अप्रूव होगी वो, सही है, वो मैं आपको जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो है वो आप में से वैसे खैर जो है वो आपके कोर्स के अंदर जो है वो आगे चल के ये चीज़ जो है वो शामिल है कि आपको जो है वो आप लोगों की अपवर्क जो प्रोफाइल है वो रेडी करवाऊंगा मैं, ठीक है, उसके ठीक अंदर मीन्स के जो है वो कि एटलीस्ट आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी जो अपवर्क प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसका एक तरीक़ेकार होता है कि आप उसके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो ऐड करते हैं, तो वंस जो है वो उसके ऊपर उन स्किल्स के ऊपर जो है अपवर्क से जो है वो अप्रूवल ले लेते हैं, एंड देन जो है वो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी जो प्रोफाइल होती है वो उसको आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है यू देखिए सर। जी। वो चीज़ें देखते हैं, सही है, सबसे पहले कि
ट्रेडमार्क का बेसिकली अमेज़ॉन के साथ क्या लिंक होता है, सही है, और ये इधर क्यों यूज होता है, और आज का बेसिकली टॉपिक ये है कि अमेज़ॉन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड हिस्ट्री, सही है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमें अमेज़ॉन के लिए ट्रेडमार्क क्यों चाहिए, सही है, और ब्रांड हिस्ट्री क्या होती है और इसके क्या आपके पास बेनिफिट्स होते हैं, सही है, और ब्रांड हिस्ट्री होती क्या है और IP एक्सेलरेटर जो है वो ये क्या होता है, सही है। तो ये हम दो चार चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, सही है। तो देन जो है वो फिर आपका एक न्यू जो है वो एडवर्टाइजिंग ऑन अमेजोन के ऊपर, ये एक जो है वो न्यू ही एक सेक्शन है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, सही है। अभी हमें जो है वो हॉल्स भी कैलकुलेट करने हैं कि कितने हॉल्स रह गए हैं, सही है, फिर हमने उसी लिहाज से जो है वो इनको प्लान करना होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, सही है। अच्छा, आप जो है वो जब हम अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमने ये शुरू में ही पढ़ लिया था कि अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करने के ना आपके दो मॉडल होते हैं, सही है। एक तो ये होता है कि आप होलसेल कर लें, सही है, मीन्स कि इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह एंड सो ऑन, इस तरीके से कर रहे होते हैं, बट मैं आपको मेन जो बात कर रहा हूँ जो कि मेन जो कि अमेज़ॉन बेसिकली अमेज़ॉन की नज़रों में जो बेसिकली हो रहे होते हैं, जो कि अमेज़ॉन जिनको लीगलाइज भी करता है, ठीक है, तो ये है वो हम उसकी बेसिकली बात करेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली होता यूं है कि आप दो टाइप के बिजनेस अमेज़ॉन के ऊपर चलते हैं, एक होता है PL जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लेबल, और दूसरा होता है होलसेल, सही है, मीन जिसके अंदर आप ब्रांड से जो है वो बनी बनाई चीज़ें लेते हैं, ठीक है, और उनको उठा के वैसी की वैसे क्या कर देते हैं आप, आगे जो है वो सेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसके अंदर अच्छा इससे क्या लेना देना है और ये हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अमेज़ॉन जो है ना, आपको पता है कि जो एक आपकी प्राइवेट लेबल की जो लिस्टिंग होती है होती है, सही है, जब आप उसको फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आपको आप अमेज़ॉन जो है वो उसको पहले तो टॉप नहीं है, सही है, और अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है और वो अगर उसने दिखाना है अमेज़ॉन के पेजेस के ऊपर वो नज़र आना शुरू हो भी गई हुई है, सही है, तो वो उसके अंदर इतना जो है वो पावरफुल बेसिकली आप यूँ समझ लें कि उसकी हिस्ट्री एंड कंटेंट और उसके ऊपर वो नहीं होता होता जिसके बिहाफ के ऊपर जो है वो एक कस्टमर्स जो है वो कन्वर्ट हो सकें, सही है, और वो आपको जो है वो सेल्स दे सकें, सही है। तो इसके लिए जो है वो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं उसकी, सही है, उसके ऊपर जो है वो हम उसकी गिव अवेज वगैरह दे के पैसे वगैरह बायर्स को दे के प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं और इस तरीके की मार्केटिंग करके खैर हम उसको जो है वो रैंक कर लेते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, सही है। अच्छा, अब लेट सपोज जो है वो हमने अपनी जो लिस्टिंग्स थी वो सक्सेसफुली क्या कर ली, हमने उसको लॉन्च एंड रैंक कर लिया। अच्छा, ये दो कंप्यूटर से जो ज्वाइन करके बैठे हैं, माइक म्यूट कर दें अदरवाइज वॉइस बड़ी जो है वो डिस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो उसको लॉन्च एंड रैंक कर लिया है, सही है, टॉप पोजीशंस में, और अगर अब हमें जो है वो आप यूँ समझ लें कि जो सेल्स थी वो भी आना स्टार्ट हो गई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली फिर होता क्या होता है कि ये जो आपकी एक लिस्टिंग होती है, ये जो आपका प्रोडक्ट का पेज होता होता है
बाय डिफॉल्ट जो है वो अमेज़ॉन हर सेलर को ये परमिशन देता है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई चीज़ है, ठीक है, इससे मिलती जुलती, मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट है आपके पास, बट उसकी कोई कंडीशन रफ है या वो आपने ली थी तो फिर आपने इस्तेमाल की, सही है, और उसके बाद अब आप समझते हैं कि वो चीज़ तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं रही, तो ये अमेज़ॉन आपको बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पर आके जो है वो यही चीज़ जो है वो और किसी बंदे को भी बेच सकते हैं, सही है, जिसको इसकी ज़रूरत है, बट ये है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो कंडीशन है ना वो बेसिकली वो बतानी पड़ेगी कि अच्छा इस वक्त इसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली जो है वो क्या है, सही है। हाँ, इस तरीके से हमने गलत APP1 खोल ली थी, अच्छा यहाँ पर 4 सेलर, सही है। अब जिस तरीके से ये है, अब ये देखें जो है वो इसके पास भी ये चीज़ थी, ठीक है, ये कोई मीन्स के एक थर्ड पार्टी है, सही है, केबल्स फॉर कंप्यूटर नेम से इसने अपना स्टोर बनाया हुआ, सही है, और वो कह रहा है कि न्यू है मेरे पास, मैं ये इतने की बेचूंगा, ठीक है, और ये है हाईटेक हाई टच बिजनेस सर्विसेज, सही है, ये इतने की जो है वो बेच रहा है, और अगेंस्ट इस तरीके से जो है वो प्लेक्स सप्लाई के नाम से जो है वो, और ये इतने की इसको जो है वो ये केबल बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, अमेजोन बेसिकली आपको ये अलाउ करता है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो ये चीज़ है, ठीक है, तो आप भी जो है वो इधर आकर हैव वन टू सेल ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला हुआ होगा। अच्छा, खैर जो है वो इधर अभी ये नहीं आ रहा, बट जो है वो इधर आपको नीचे अमेज़ॉन शो करवा रहा होता है एक बटन, ठीक है, वो कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हैव वन टू सेल ऑन अमेज़ॉन, मीन्स कि आपके पास भी ये चीज़ें आप अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो अगर आप भी बेचना चाहते हैं तो यस आ जाएं आप, सही है, और अमेज़ॉन जो है वो क्या करेगा, आपको इन चार के साथ जो है वो बिठा देगा, सही है। अब फिर आगे जो है वो फिर क्या होगा कि जिसके पास बाय बॉक्स होगा, सही है, उसके पास जो है वो क्या होंगे ऑर्डर्स जो है वो क्या होंगे बेसिकली आते जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो होता यहाँ पर क्या होता है कि मींस कि जब ये जो चाइनीज बैठे होते हैं, सही है, ये देख रहे होते हैं, सही है, कि अगर किसी का कोई जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है या ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अमेज़ॉन के साथ, तो देन डेफिनेटली अमेज़ॉन जो है वो उस सेलर को प्रोटेक्ट भी नहीं करता, तो वो क्या करते हैं उसकी लिस्ट के ऊपर ना इस तरीके से आके चिपक के बैठ जाते हैं, सही है। तो
फिर क्या होता है कि वो अब जब आपको पता है कि अगर एक अकेला बंदा होगा एक शॉप के अंदर, तो जितनी भी सेल्स या जितने भी कस्टमर्स आएंगे सारे उनके जितने ऑर्डर्स होंगे सारे एक के पास जाएंगे, तो ये अगर बट जो है वो क्या होगा कि अगर जो है वो उसी शॉप के अंदर अगर दो बंदे बैठ जाते हैं तो देन डेफिनेटली जो है वो जो भी सेल्स आएंगे अब वो डिवाइड हो जाएंगी कि मीन्स के जो है आधी एक के पास और आधी एक के पास, सही है। तो वही काम जो है वो आपका यहाँ पर चल रहा होता है कि अब एक बंदे ने जो है वो सारी मेहनत की थी, एक लिस्टिंग क्रिएट की, उसने एक इमेजेस बनवाई, सही है, ये उसने जो है वो इमेजेस बनवाई। अब इधर तो खैर दो लगी हुई हैं, वैसे ज़्यादा होती हैं, सही है, 7 इमेजेस होती हैं। उसने जो है वो ये कंटेंट जो है वो लिखवाया राइटर से, सही है। इधर तो खैर दो बुलेट पॉइंट है, वैसे आप देखते हैं कि नॉर्मली जो है वो एक अच्छे बुलेट पॉइंट्स होते यहाँ पर, ऐसा है लिस्टिंग उठा के देख लें तो उसमें ऐसा जिससे कि सही है। उसने जो है ये कंटेंट लिखवाया, ठीक है, और इसका जो है वो नीचे इस तरीके का EBC पेज जो है वो बेसिकली डिज़ाइन करवाया एंड सो ऑन, बाकी सारा खर्चा करके इन्वेस्टमेंट करके उसने जो है वो अपनी लिस्ट रैंक की। और जब अब ऑर्डर आने की बारिश शुरू हुई है, सही है, उसका कुछ कमाने का टाइम आना शुरू हुआ है, तो अब जो है वो चाइनीज जनाब इसके साथ चिपक के बैठ गए हैं यहाँ पर, सही है, जो कि उसके ऑर्डर्स को क्या किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मतलब आधे वो और आधे वो ले रहे हैं, सही है। तो वो जो बंदा जो कि आपके लिस्ट को इस तरीके से जो है वो आके आपके साथ चिपकता है, सही है, उसको हम अमेज़ॉन की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो क्या है, आपका हाईजैकर है, सही है। मीन्स के उसने आपकी जो लिस्टिंग है उसको क्या कर लिया हुआ है, हाईजैक कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो अब जब आपकी लिस्टिंग होती है ना हाईजैक, ठीक है, तो आप जाते हैं फिर अमेज़ॉन के पास, जी जनाब ये देखें जो है वो, मतलब अगर आपका प्राइवेट लेबल है कि मीन्स के ये देखें जी मेरा ये प्राइवेट लेबल का बिजनेस है और इस ब्रांड का मैं ही ओनर हूँ और सब चीज़ मेरे पास है, ठीक है, और ये बंदा जो है वो मेरी लिस्टिंग के ऊपर आके बैठ गया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में फिर अमेज़ॉन कहता है कि अच्छा लाए मुझे दिखाएं आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, मीन्स के ट्रेडमार्क से आप स्टैंड, अब यहाँ पर बारी आ गई कि ट्रेडमार्क है आपके पास, आप कहते हैं कि ओहो हो नहीं वो तो मेरे पास नहीं है, तो फिर अमेज़ॉन क्या कहता है कि नहीं ये फिर आपकी जो है वो ये जो अमेज़ॉन का ये जो लिस्टिंग का पेज है ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अमेज़ॉन की प्रॉपर्टी है, सही है, और इसके ऊपर अमेज़ॉन अलाउ करता है हर उस बंदे को, ठीक है, कि जिसके पास वो चीज़ है वो बेचना चाहता है तो वो बेच सकते हैं, सही है। और अगर जो है वो आपके पास अगर आप समझते हैं कि आप कि जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, ठीक है, और आप इसके ही अकेले मैन्युफैक्चरर हैं तो आप यू शुड बी द ब्रांड, सही है, और ब्रांड के पास जो है वो क्या होता है ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो अब फिर जो है यहाँ पर बारी आती है कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऑफिस भागते हैं USPTO के, ठीक है, और वहाँ से जाके जो है वो हम क्या करते हैं, हम ट्रेडमार्क जो है बेसिकली वो पकड़ते हैं, सही है। अब बेसिकली ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, ट्रेडमार्क ये होता है कि मींस आपकी कोई इन्वेंशन, कोई नोवेलिटी, सही है, जिसको आपने जैसों या आसान लफ्ज में समझ लें कि आपकी कोई इजाद, सही है, इन टर्म्स ऑफ जो आपके ब्रांड जो आपके बिजनेस का नेम होता है, ठीक है, जब आप उसको जो है वो क्या करते हैं लीगली एक रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, सही है, जिस भी मुल्क में आप बिजनेस कर रहे हैं उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जनाब उस नेम के ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क मिल गया हुआ है, मतलब कि आपको प्रोटेक्शन मिल गई हुई है, सही है। अब उस तरीके की कोई और उस नेम का कोई और भी बंदा जो है वो कोई यूं समझ लें कि आप शॉप ओपन नहीं करेगा या फिर उसको किसी किसी और को जो है वो उस तरीके का नेम अपना बिजनेस नेम सेट करने के लिए वो जो नेम है वो साइन नहीं किया जाएगा, सही है। इसकी जो है वो आप यूँ समझ लें कि ये ट्रेडमार्क बेसिकली ये डेफिनेशन है ट्रेडमार्क की। अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि सही है, कल भी हमने एग्जांपल देखी थी, ये सेलफोन्स के अंदर जो है वो ये सैमसंग है, सही है, और ये जो है वो आईफोन है, एप्पल वगैरह, सही है। तो आप देखेंगे कि ये जो सैमसंग का एक कैपिटल वर्ड के अंदर जो इन्होंने अपने स्पेलिंग्स लिखे होते हैं, सही है, आप देखेंगे कि दुनिया की कोई और कंपनी जो है वो ये स्पेलिंग आप अपने फ़ोन के ऊपर नहीं लिख सकती, ऐसे ही है ना,
कभी आपने ये तो नहीं देखा होगा कि फोन हवावे का हो लेकिन उसके ऊपर जो लोगो है वो आपका सैमसंग का आया हुआ हो, कभी देखा है? नहीं देखा होगा, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये, और इसी तरीके से जो है वो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी किसी और फोन के ऊपर जो है वो कोई कंपनी हो जो कि एक फोन बना रही हो थर्ड पार्टी से ये, बट वो जो है वो एप्पल का लोगो लगा के आपको कह रही हो कि जनाब ये भी एक जो है वो एप्पल का फोन है। सही है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? अब एप्पल ने जो है वो बेसिकली ट्रेडमार्क लिया हुआ है। सही है, उसने जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई हुई है अपने नाम की, अपने एक लोगो की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अब वो जो इनका लोगो है हाफ जो है वो कट एप्पल, सही है, वो अब किसी और को असाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये उनकी जो है वो इजाद है। अगर कोई और यूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उनको जो है वो सू कर सकते हैं और वो मीन्स के जो है वो इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडमार्क बेसिकली ये होता है कि आप अपना नेम को जो है आप अपने बिजनेस नेम को एक लीगली क्या कर लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जिस भी कंट्री के अंदर जो है वो आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस कंपनी उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ। सही है, समझ लगी है यहाँ तक? अच्छा, फिर जो है वो फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं कि वंस, अब जिस तरीके से जो है वो यूएस है, यूएस में ये यूएसपीटीओ जो है वो, सही है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, जिस जहाँ पर जो है वो आप ये जाकर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाते हैं। सही है, इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में एससीसीपी है। सही है, एससीसीपी बेसिकली वो इदारा है जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर नेम वगैरह आपको साइन करती है, आपके बिजनेस नेम आप रजिस्टर्ड करवा के जा रहे होते हैं। सही है, अगर मैं आपको जो है वो आपके ही वर्डिंग में जो है वो एग्जांपल दो, तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, सही है, उनमें से एक ब्यूटी क्रीम बड़ी हिट हुई थी, एक वो उसके एड भी बड़े चल रहे होते हैं, ये पर्ल नाम की थी। ऐसे ही है, पर्ल नाम की एक ब्यूटी क्रीम थी। सही है, वो बड़े उसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट और मैंने देखा था कि बड़ी चल रही होती है वो। तो उन्होंने फिर जो है वो नेक्स्ट काम का क्या किया, मैंने उनके बॉक्स के ऊपर खुद जो है वो बेसिकली पढ़ा था कि पर्ल नेम इज अ ट्रेडमार्क ऑफ दिस दिस दिस, कि अब आप जो है वो इस तरीके के हम जो है वो अपने बाकी लोगों को ये वार्न करते हैं कि वो इस तरीके के नेम, ये नेम यूज करके जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, अदरवाइज उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। सही है, तो अब जो है वो अब क्या हुआ, अब इसमें होता क्या होता है कि मीन्स के जो है वो जब आप देखते हैं कि अच्छा एक, अब लोग बेसिकली समझते हैं कि पर्ल ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है। सही है, जो लोगों को गोरा कर देती है, वाह जी वाह, चलें जी जाएं, जिसने भी गोरा होना वो जाके एक ये क्रीम की डब्बी उठा के ले आए। तो अब जो है वो जब लोगों ने देखा कि अच्छा पर्ल नेम की जो ब्यूटी क्रीम है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उन्होंने भी जो है वो क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिस तरीके का पर्ल का डब्बा है वो कोई और बना सके? बना सकते हैं 100% जो है वो, पता नहीं कितने यहाँ पर लोग बैठे होंगे जो कि आपको उस तरीके के हजारों डब्बे बना के दे दें। सही है, उस तरीके की आपको डिबिया नहीं बना के दे सकते, डिबिया भी बना के दे सकते हैं। सही है, तो अंदर का मटेरियल जो है वो आप खुद उसके अंदर फिल करके तो जनाब ये देते जाए। तो अब जो है वो अब देखें जो है वो फिर अब एक जो कंपनी थी, सही है, उसने एक बड़ा जो है वो R&D करके, सही है, एक फार्मूला ड्राइव किया और जो कि वर्क कर गया। सही है, अब मीन जब उसका बिजनेस करने का टाइम आया, सही है, तो लोगों ने जो है वो फेक नेम की चीज़ें जो है वो उनका नेम यूज़ करके जो है वो फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना शुरू कर दी। तो अब फिर क्या होगा कि मीन्स के जब जो भी बंदा जिसको तो ओरिजिनल मिल गई मिल गई, सही है, अब जिसको जो है वो 2 नंबर वाली मिली, सही है, वो बेसिकली अब वो उसके अगेंस्ट हो गया ना। सही है, तो इस अब कोई भी बिजनेस जब होता है, सही है, अगर उसके अंदर जो है वो आप जो है वो जो कस्टमर है वो बेसिकली उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहा है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो समझ लें कि अब उस बिजनेस की जो लाइफ है वो आपका डाउन होना शुरू हो गई है, वो बहुत जल्दी जो है वो अपनी जो है वो आप यूँ समझ लें कि वो लूज़ कर जाएगा अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो अब इस तरीके से फिर क्या होगा कि अगर ऐसा कोई काम ना हो तो वो फिर पर्ल वाले बहुत जल्दी जो है वो अपना सब कुछ लूज़ कर जाएंगे ना। ठीक है, जब जो कि उन्होंने अपना नेम बनाया था वो सब एक बंदा बताएगा दूसरे को कि अच्छा ये बस जो है काम नहीं करते, फिर दूसरा तीसरे को इस तरीके से। तो इसका एक तरीकेकार क्या है कि ये कि आप ट्रेडमार्क ही ले लें। सही है, ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है उस चीज़ की कि अच्छा आप जो है वो कोई भी बंदा जो है वो इस चीज़ की, इस नेम की, सही है, और कोई चीज़ बना ही नहीं सकेगा। मतलब वो ये नेम जो है वो अब रिजर्व हो गया है, सही है, अब वो यूज़ हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से जो है वो आप एक देखते हैं कि
नादरा के अंदर जो आपका जो एक आपका जो एक आईडी कार्ड का नंबर होता है, सही है? आप देखेंगे कि कभी भी दो दो लोगों को एक आईडी कार्ड नंबर असाइन नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, सही है? हर एक का यूनिक नंबर होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से बेसिकली ये होता है कि ये आपका एक जो आपने नेम सेट किया हो, वैसे ये पहले उसकी वायबिलिटी चेक की जाती है, और वो अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है तो देन उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करके अब जनाब वो आपको जो है वो एक यूनिक नेम दे देंगे, अब वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, सही है? और अगर कोई मार्केट में यूज़ कर रहा होगा, सही है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो क्या कर रहा है, जो है वो मींस के जो है वो कोई ब्लैक हैट यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो आप अटैक कर सकते हैं, सही है? अच्छा, ये तो जो हो गया आपका ट्रेडमार्क, सही है? अब आप क्या करते हैं, अब जो है वो बंदा जो कि आपके साथ इधर लग के बैठे हुए हैं, चार लोग जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, ये इनकी सेल्स को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? फिर अब आप जाते हैं अमेजोन के पास और अमेजोन को कहते हैं कि अच्छा ये मेरा ट्रेडमार्क है, सही है? जिस तरीके से ये है, कल हमने इसकी एग्जांपल भी ओपन की थी, पेट्रॉनिक्स, सही है? ये देखें जी, मैंने पेट्रॉनिक्स का जो है वो ट्रेडमार्क लिया हुआ, मेरा जो ब्रांड तो रजिस्टर्ड कर दें, सही है? अमेजोन कहेगा ठीक है, अच्छा लाइन जो है वो आपके पास जो है वो ट्रेडमार्क है इस नेम का, सही है? यूएस से आपने लिया हुआ, यूएसपीटीओ वालों से, तो हम आपको ट्रेडमार्क इधर ब्रांड रजिस्ट्री कर देते हैं अमेजोन के ऊपर। तो अब जो है वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली हो जाएगी, जिसके अंदर अब ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, बेसिकली आप यूँ समझ लें कि आपको एक जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो टूल मिल गया हुआ है अमेजोन के ऊपर, सही है? और उस सूट के अंदर एक टूल सूट मिला है, सही है? और उस सूट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, और उस टूल्स में से एक ये टूल ये भी है कि ये जो जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर चिपक के बैठे हैं, अब आप इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो एक मिनट, जी सॉरी। अच्छा, गूगल क्या करता है, यानी कि आपको डिफरेंट मार्केट प्लेस के लिंक देता है, और वहां से आप किसी के ऊपर लिंक करते हो, और वहां से क्या करते हो, प्रोडक्ट बाय करके या अपनी कंट्री में मंगवा सकते हो, ठीक है? आया कि वो वेबसाइट आपको अपनी कंट्री में प्रोडक्ट को बाय करने की अलाउ करता है कि नहीं करता। अब जिस साइट पे जाओगे तो वहाँ पर उसका डिलीवरी ऑप्शन होता है कि बता रहा होता है कि तुम ये प्रोडक्ट इस कंट्री में बाय कर सकते हो, इस सिटी में बाय कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट बहुत से ऑप्शन होते हैं जहाँ से आप। ये तो होता है कि आपको ग्लोबली कोई भी चीज़ परचेज करना चाहो, एक सबसे बड़ा फायदा यह कि आप कोई भी चीज़ ग्लोबली परचेज करना चाहते हो किसी भी कंट्री से कर सकते हो इजीली ई कॉमर्स का। एंड देन दूसरे नंबर पे जो है इसका 24/7 कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस ये है कि तुम्हारे पास जिस रहा, यानी कि आप जब भी ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर किसी को मैसेज करते हो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट नजर आ रही है और आपने बैक कर लिया, तो आपको फौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट के रिलेटेड, भाई ये प्रोडक्ट मुझे बताओ कैसी है, अगर मैं इसको लेना चाहता हूँ तो क्या स्टेप होंगे, मैं किस तरह लूंगा, क्या ये मेरी कंट्री में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। कस्टमर सर्विस तकरीबन 24/7 मिलती है। एंड तीसरे नंबर पे जो आती है वो प्रोडक्ट कंपैरिजन, क्योंकि एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो यानी कि सेलर जो होते हैं प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट की जो एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हो कि कौन सा सेलर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहा है वहाँ पर, यानी कि आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी बिक रही है, कौन सी यानी कि पूरी बिक रही है, यानी कि उनकी रिव्यू की बिना पर उनको देखते हुए। एंड देन आता है हमारे पास क्विक सोशल प्रूफ, ये मिलता है कि हमारे पास कोई जो भी है कि वहाँ पर बंदा जो प्रोडक्ट बैक करके जाता है हमारी वेबसाइट से या हमारे सेलर सेंटर से प्रोडक्ट बैक करके जाता है, तो उसको अगर आया कि प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो उसके 50-50% चांस है कि वो आए और बताए कि ये मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी और एक रिव्यू देता है। अगर उसको प्रोडक्ट बुरी लगी, हालांकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लें अगर हमको प्रोडक्ट बुरी लगती है तो डेफिनेटली न्यू रिव्यू देगा और रिव्यू भी नेगेटिव देगा, यानी कि वहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि ये कस्टमर के रिव्यू से हमें सोशल प्रूफ मिल जाता है कि वो ये प्रोडक्ट कैसी है, आया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी। एंड देन इसका भी एक बेनिफिट हो गया। और उसके बाद ये होता है कि कन्वेनियंट इन डिफरेंट पेमेंट मेथड, यानी कि जो मूड है ये काफ़ी ऐसा होता है एज वेल, हम कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपना बैंक कार्ड से भी पे कर सकते हैं, हम अपना जैज वीज़ा डेबिट कार्ड एज वेल एज हम अपना इजी पैसा जैस कैश से भी, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मॉडल इस्तेमाल होता है वो होता है COD, कैश ऑन डिलीवरी, कि जो हम चीज़ बाय करते हैं और उनको ऑर्डर दे देते हैं, जैसे हमारे पास चीज़ बेचती है तो हम कैश, जैसे कि हम उसे डिलीवरी लेते हैं और वहीं पर हम उनको क्या देते हैं, कैश दे देते हैं।
ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता है। तो इस पेमेंट मेथड की वजह से भी कुछ ई कॉमर्स फायदे है कि हम कोई भी पेमेंट मेथड इजीली यूज करके कोई भी चीज़ बैक कर सकते हैं। एंड देन मार्केट की जो रिटर्न पॉलिसी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। रिटर्न पॉलिसी से मुराद ये है कि अगर आप कोई चीज़ बैक करते हो डिफरेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से, अगर आपको आपको अलाउ करता है कि अगर ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो आपको एक विद इन पीरियड आप उस क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो उसी मार्केट प्लेस को जहाँ से आपने बाय किया है। हर एक मार्केट का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है, किसी का 7 दिन होता है तो किसी का 30 दिन, और इसी तरह हर मार्केट का डिफरेंट होता है। यानी कि रिटर्न पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो आप उनको रिटर्न कर सकते हो। तो ऐसे भी कॉमर्स का एक फीचर बनता है। और उसके बाद शेयर विद फ्रेंड, जब आप प्रोडक्ट वहाँ से बाय करते हो और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं कस्टमर जो भी होता है, फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार ये मैंने प्रोडक्ट बाय किया है तो इसको यानी कि आप भी बाय करो, काफ़ी अच्छी है और ये मुझे रिटर्न वगैरह भी दे रहा है, यानी कि बहुत से बेनिफिट। ये तो चलो थे इसके कुछ बेनिफिट फीचर ऑफ ई कॉमर्स के, होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एंड देन आता है डिफरेंट चैनल ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स के ऊपर आप ट्रैफिक जो है कहाँ कहाँ से लेकर आते हो, किस तरह की ट्रैफिक आपको मिलती है ई कॉमर्स बिजनेस से। एक तो होती है डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि जो भी चीज़ आप अपने प्रोडक्ट को बैक करते हो और आप उसकी लिस्ट क्रिएट करते हो, लिस्ट के अंदर नाम, टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि लिस्ट को वेल ऑप्टिमाइज करते हो और अपने यानी कि जो कीवर्ड है, लाइक अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट के ऊपर अपनी लिस्ट को इस तरह यानी कि क्रिएट करते हो कि कोई बंदा आता है और किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर या गूगल के ऊपर यानी कि वो कीवर्ड टाइप करते हैं, अगर आपकी एसईओ अच्छी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल अच्छी है जो कि बैक एंड पे काम करती है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो पहले नंबर पर नजर आता है। ये तो होती है डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि कोई बंदा अगर आपकी लिस्ट अच्छी है तो कस्टमर आता है और आपके लिए यानी कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने प्रोडक्ट का नाम है और वो उसने टाइप किया और वो चीज़ उसको पहले नंबर पे नजर आई या दूसरे नंबर पे या तीसरे या पांचवें नंबर पे नजर आई और उसने क्लिक किया और उसको बैक करके चला गया। एंड देन आता है पेड सर्च। पेड सर्च में क्या होता है कि हम डिफरेंट मार्केट प्लेस को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उनको बोलते हैं कि ये हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ऐसा करो हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दिखाओ, लाइक वो फेसबुक है और उसके बाद वेबसाइट है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पर वो क्या करते हैं। और एक पेड ये होता है कि आप यानी कि आउट ऑफ अपने जो वेबसाइट है उससे आउट ट्रैफिक लेकर आते हो, जैसे कि फेसबुक है और उसके बाद गूगल है, गूगल सबसे यानी कि फेसबुक ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद गूगल यूज़ होता है, यानी कि वहाँ पर भी आप पेड ट्रैफिक कर सकते हो। और दूसरा जो पेड होती है जिस वेबसाइट के ऊपर आप कम किया होती है आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और आपके सेलर सेंटर पे। डायरेक्ट ट्रैफिक दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दे। डायरेक्ट होती है कि आप क्या करते हो, आपकी जो एक आपका यानी कि एक प्रोडक्ट है, लाइक मैं कहता हूँ कि आपके पास टी शर्ट है, तो आप क्या करते हो एक लिस्ट क्रिएट करते हो और उसके ऊपर पहले क्या करते हो अपने लिस्ट के ऊपर अपना यानी कि प्रोडक्ट का नाम लिखते हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट के फीचर लिखते हो, यानी कि बुलेट पॉइंट बना देते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर है या इस कलर में अवेलेबल है ये वगैरह। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हो उसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी आप बता रहे होते हो कि आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है और आपकी अगर SEO की स्किल जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि बैक एंड पे काम कर रही होती है अपने किसी भी लिस्ट को यानी कि ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर वो अच्छी है तो देन अगर वो आपने उस लिस्ट को यानी कि अपलोड कर लिया उसके ऊपर और कस्टमर आया और उस यानी कि टी शर्ट नाम की यानी कि सर्च किया और आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको यानी कि पहले पेज पर नज़र आई और पहले पेज पे तकरीबन दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे अगर आपकी प्रोडक्ट नज़र आती है और कस्टमर को अगर वो अट्रैक्ट करती है, उसकी इमेज वगैरह या कुछ अच्छा लगता है तो कस्टमर उसके ऊपर क्या करता है क्लिक करता है और क्या करता है बाय करके ले जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। वो लाइक उसी वेबसाइट से भी हो सकती है और डिफरेंट मार्केट प्लेस, अगर जैसे गूगल के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट रैंक है तो वहाँ से भी ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, एंड देन आता है टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, इससे, होम डिलीवरी, इस तरह की यानी कि ये जो बहुत बड़ी वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है ई कॉमर्स में, इसमें सबसे पहले नंबर पर अमेजोन है, फिर ईबे है, वॉलमार्ट है इससे, और उसके बाद होम डिपो है, एंड देन दराज है।
अब देखते हैं कि अमेजोन क्या है। अमेजोन भी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी कि वो है, रिटेल है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बाय करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दो मॉडल होते हैं अमेजोन आपको अलाउ करता है। एक तो आप अपना इंडिविजुअली अकाउंट बनाते हो, एंड देन दूसरा होता है एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअली अगर आपके पास कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है या कोई आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो आप क्या करते हो, जाते हो उसके ऊपर सेलर अपना अकाउंट बनाते हो और जाकर बेचते हो। एंड देन बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई मैन्युफैक्चर यूनिट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या सोप बनाते हो या किसी को कपड़ा वगैरह बनाते हो, जिस तरह की अगर आपका बिजनेस है, तो आप एक बिजनेस अकाउंट बना देते हो। यानी कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक होता है बिजनेस अकाउंट। एंड देन सेलिंग मॉडल ऑन अमेज़न, ये दो जी सॉरी। अच्छा, अब दो सेलिंग मॉडल कौन कौन से हैं अमेज़न के ऊपर, दो होते हैं। एक तो होता है FBA, मैंने कल भी बताया था, चलो आज दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक FBA होता है, एक होता है FBM। FBA बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब ये काम कैसे करता है इसको बताता हूँ। क्या बार हाउ अमेज़न FBA वर्क्स। प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होती है कि आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, यू फाइंड अ हाई डिमांड विद लो कंपटीशन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हाई डिमांड भी हो और उसका जो कंपटीशन है बहुत कम हो। आप वो प्रोडक्ट क्या करते हो, सर्च करते हो। जब प्रोडक्ट आपने एक बार फाइंड कर ले, उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को बाय करते हो, यानी कि सोर्सिंग करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, डीएसगेट है, या जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप क्या करते हो, सोर्सिंग करते हो उस प्रोडक्ट की। यू फाइंड अ सप्लायर और मैनुफैक्चर टू क्रिएट योर प्रोडक्ट, यानी कि आप एक सप्लायर या मैनुफैक्चर करते हो उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए। अब सोर्सिंग कर ली, अब उस प्रोडक्ट को आप क्या कर देते हो, अमेज़न की वियर हाउस में पहुँचा देते हो। अमेज़न रिसीव एंड स्टोर योर प्रोडक्ट इन दियर वियर हाउस, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट पहले क्या कि सर्च की और उसके बाद सोर्स करी किसी के सप्लायर से ऐसे, और उसके बाद आपने कहाँ भेज दी, अमेज़न की वियर हाउस में, जहाँ पर और अमेज़न इसकी यानी कि आपको सर्टन फीस भी लेता है। अमेज़न के वियर हाउस में वो प्रोडक्ट पहुंच गई। अब आपका काम है कि आप अपना जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर क्या करो, लिस्टिंग करो एंड ब्रांडिंग करो, यानी कि लिस्ट क्रिएट करो, अपना लिस्ट बनाकर वहां पर अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करो अपने प्रोडक्ट की, और देन आप क्या करते हो, प्रमोशन करते हो अपनी, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है ऊपर जाकर, यानी कि आपने न्यू सेलर से बनाया। ये जो लिस्टिंग का काम होता है बेसिकली वो प्रोडक्ट को भेजने से पहले होता है, वो बाद में नहीं होता, ठीक है। लिस्टिंग बेसिकली आप क्रिएट करते हैं, सही है, उस लिस्टिंग की बिहाफ के ऊपर जो है वो फिर अमेज़न आपसे कहता है कि अच्छा, बिकॉज लिस्टिंग जब आप क्रिएट करेंगे उसके पास अमेज़न के पास उस वक्त ये एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अच्छा ये बंदा जो है ये प्रोडक्ट बेचना चाहता है, सही है। तो अब जो है अगर उसमें कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी तो पहले अमेज़न आपसे वो मांगेगा, ठीक है। इनकेस अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह ये बेचना चाहते हैं तो वो आपसे सर्टिफिकेशन मांगी जाएंगी। और अगर आपके प्रोडक्ट जेनेरिक किस्म की है, सही है, जिस तरीके से होम एंड किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम गार्लिक प्रेस की एक एग्जांपल लिया करते होते हैं, अगर इस टाइप की है तो फिर अमेज़न आपको अलाउ कर देगा वैसे कि आप उसको भेज सकते हैं, सही है। तो वो भेजने के लिए कि मतलब अब अमेज़न को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि बेसिकली आप भेज क्या रहे हैं मुझे, सही है। तो उसके लिए जो है वो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ती है, लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ती है, ठीक है जी। जी सर, थैंक यू जी सर, मुझे गाइड कर दीजिएगा अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ। तो इसके बाद अब आगे आ जाती है प्रमोशन, यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली, अब हमने सेलर सेंटर बनाया और इसके यानी कि किसी को ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट जाकर वहाँ पर प्रमोशन करते हैं, यानी कि अमेज़न को पैसे देते हैं, या हम डिफरेंट यानी कि आउट ऑफ प्लेटफॉर्म से भी अपने सेलर सेंटर के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ रहे होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, वहाँ से भी ट्रैफिक लेकर आते हैं, और अमेज़न खुद भी अलाउ करता है कि आप हमसे ये सर्विस बाय कर सकते हो, उसको कहते हैं PPC पे पर क्लिक, या आप कूपन क्रिएट करते हो या डील बनाते हो प्रोडक्ट की, यानी कि डिस्काउंट दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि मैं 20% दूंगा और 30% दूंगा, 50% दूंगा, यानी कि इस तरह के। और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है कस्टमर, जब आपने प्रमोशन की अमेज़न के ऊपर, आपकी जो प्रोडक्ट है पहले दूसरे पहले पेज पर नज़र रही, दूसरे तीसरे नंबर पर नज़र रही आपकी प्रोडक्ट, कस्टमर को अच्छी लगी, कस्टमर ने क्लिक किया और उसको क्या कर लिया, बैक कर लिया।
अब कस्टमर ने बाय किया, फिर अमेजोन क्या करता है उस कस्टमर का जो ऑर्डर है, व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट, अमेजोन क्या करेगा, उसको पैक करेगा, उसके बाद पिक किया देन उसको क्या कर देगा, शिप करेगा। यानी कि जो भी वहाँ पर शिपमेंट के रिलेटेड जो भी कस्टमर का क्वेश्चन होगा तो वो अमेजोन खुद मैनेज कर रहा होगा उसको, फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है। एंड देन कि अमेजोन मैनेज ऑल शिपिंग नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग रिव्यू एंड ईमेल रिटर्न, कि इससे रिलेटेड शिपमेंट के रिलेटेड जो भी हमारा इश्यू होता है वो अमेजोन खुद मैनेज कर रहा होता है। अगर हमारे पास कोई शिपमेंट के रिलेटेड नेगेटिव रिव्यू आ जाता है तो वो भी अमेजोन उसको खुद हैंडल करेगा, क्योंकि शिपमेंट हम तो नहीं कर रहे, शिपमेंट अमेजोन खुद कर रहा है। और इसकी वो हमसे क्या करता है, फीस लेता है। अपनी फीस होती है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट की उसकी जो हाइट विड्थ और यानी कि डिमेंशन वगैरह कितनी है, और उसकी बिना पर अमेजोन क्या करता है, तुमसे फीस चार्ज करता है। एंड देन आप क्या करते हो, आपकी जो सेल्स मैनेजमेंट है, मैनेज योर इन्वेंट्री एंड ग्रो योर बिजनेस, आप क्या करते हो, सिर्फ अपना सेलर सेंटर जो है उसके बाद मैनेज करते हो, अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए कितनी इन्वेंट्री जो है बिक रही है, उसके बाद जैसे ही हमारी इन्वेंट्री लो होती है तो अमेजोन की अमेजोन की तरफ से हमें ईमेल आ जाते हैं कि आपकी इन्वेंट्री लो हो गई है, तो आप ऐसा करो, अपनी न्यू इन्वेंट्री बैक कर लो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो सेल हो रही है, और उसकी बिना पर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बैक करते हो। ये तो हो गया FBA। अच्छा, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं FBA करने के। इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ना, वो आपके टाइम पर बच जाता है, कि ना आप टाइम की बचत है कि आप अपना टाइम बचाते हो। आप ये नहीं करते कि प्रोडक्ट इस तरह, अगर आप दूसरा मॉडल है, अगर जैसे कि FBM को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, फिर इसमें बताता हूँ कि क्या फायदे इसके हो, क्या इसके नुकसान है। FBM में ये होता है कि आप प्रोडक्ट ले लेते हो, यानी कि आपने सारा काम कर लिया प्रोडक्ट, यानी कि पहले सर्चिंग की और हाई डिमांड विद लो कंपेटिटिव प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली, और उसके बाद आपने लिस्ट क्रिएट की जैसे सर बता रहे थे। देन आप क्या करते हो, सोर्सिंग करते हो प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट आप अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचाते, वो प्रोडक्ट आप अपने वेयर हाउस में रखते हो, या आपकी कोई शॉप है वहाँ पर रखते हो, जहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट अपने पास रखते हो। और जैसे ही ऑर्डर आता है, और जैसे ही ऑर्डर होता है, आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, पैक करते हो एंड देन शिप कर देते हो। यानी कि आपके एंड से लेकर आपके एड्रेस, यानी कि आपकी जहाँ पर वेयर हाउस है वहाँ से लेकर कस्टमर के दरवाजे तक जो वो पहुँचाने का काम होता है प्रोडक्ट का, FBM में आपका होता है, कि वो आप कौन सा यानी कि चैनल यूज़ करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में रहता है TCS वगैरह यूज़ होता है, तो इस तरह से। तो ये होता है FBM। अब फायदे क्या है FBA के और FBM के। FBA का मैंने सबसे पहले भी ये बताया कि FBA का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका यानी कि टाइम, एक तो आपका टाइम नहीं लगता इन चीज़ों के ऊपर, दूसरा ये है कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि अगर न कस्टमर ने शिपमेंट के रिलेटेड कोई, अगर मैं लेट भी हो गया या मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आ गया, तो अगर कस्टमर ने कोई यानी कि नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो अगर वो अगर अमेजोन शिप कर रहा है तो फिर अमेजोन ही उसको हैंडल करेगा। और अगर वो कस्टमर आता है नेगेटिव रिव्यू देता है शिपमेंट के रिलेटेड, तो आप अमेजोन को कहोगे ये तो शिपमेंट का काम तो मैं तो नहीं कर रहा, ये तो आप कर रहे हो, तो इसको रिव्यू को आप ऐसा करो, ख़त्म करो, तो अमेजोन उसको कर देता है, खत्म कर देता है। एक फायदा दो, यानी कि दो फायदे हो गए। एंड देन जब आप करते हो FBM, क्या मैं बताता हूँ नुकसान क्या है। एक ये है कि आपका टाइम का ज़िया, और दूसरा क्या हुआ, आप प्रोडक्ट का यानी कि जो भी है आपके पास पैकिंग मटेरियल भी होना चाहिए, देन आप पैकेजिंग करोगे और उसके बाद जाओगे, एंड देन आप अगर लेट हो गए तो कस्टमर क्या करता है, नेगेटिव रिव्यू भी दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है आपके ऊपर, सेलर सेंटर के ऊपर। तो ये इसके कुछ नुकसान है FBM करने के। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान में रिकमेंड किया जाता है और अमेजोन के ऊपर जो ज़्यादातर होता है, 71% यूज़ हो रहा है तकरीबन FBA, और देन 29% यूज़ होता है FBM मॉडल यूज़ होता है। अच्छा, अमेजोन के ऊपर आ जाते हैं बिजनेस मॉडल के। अमेजोन के बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपका अपना प्रोडक्ट है, आप क्या करते हो अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांड रजिस्टर करवाते हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो, और उसके बाद प्रोडक्ट अपना बेच देते हो। और ये प्राइवेट लेबल तकरीबन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अमेजोन के ऊपर, प्राइवेट लेबल। और यानी कि आपका अपना प्रोडक्ट है, आपने उससे क्या किया, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई, और उसके बाद जाकर अपना प्रोडक्ट जो है आपने लिस्ट किया, और उसके बाद बेच दिया। एंड देन आता है हमारे पास होल सेल। आप क्या करते हो, इसमें प्रोडक्ट बैक करते हो डिफरेंट ब्रांड से, या किसी मैन्युफैक्चरर से क्या करते हो, प्रोडक्ट बैक करते हो बल्क में, और फिर जाकर अमेजोन के ऊपर इसको एज अ होल सेलर बेचते हो उस प्रोडक्ट को, होल सेल बिजनेस इसको कहते हैं। एंड देन आता है आपके पास ड्रॉप शिपिंग।
ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट, यानी कि आप, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और ना ही आप किसी से ये करते हो कि एक वेबसाइट है जैसे कि ईबे है, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो बिक रही है $40 में, और वो प्रोडक्ट आप देखते हो अमेजोन के ऊपर क्या बिक रही है $60 में, तो आप वहाँ पर ईबे से जाते हो वो प्रोडक्ट को क्या करते हो बैक करते हो और देन क्या करते हो अमेजोन के ऊपर क्या जाते हो, यानी कि ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप किसी वेबसाइट से बैक करो, आपके पास यानी कि आप जाते हो अपना यानी कि सिर्फ सेलर सेंटर बनाते हो एंड देन आप यानी कि जो प्रोडक्ट आपने ड्रॉप शिपिंग करनी हो या किसी शॉप के वाले के पास जाते हो भाई आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यानी कि अपने सेलर सेंटर के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ और जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे ये प्रोडक्ट उठा के यानी कि शिपमेंट कर दूँगा। ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको, यानी कि आप किसी दूसरे से प्रोडक्ट उठाकर, वो आपके पास भी नहीं है ना अमेजोन की वेयरहाउस में, तो आप उनको ये भी कह सकते हो कि जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो ये मैं आपको पैकिंग मटेरियल भी दे रहा हूँ, ये सारा कुछ दे रहा हूँ, तो जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप इसको पैक करके दे देना, और उसके ऊपर आप क्या करते हो अपना एक प्रॉफिट रख रहे होते हो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। एंड देन आता है रीसेलिंग आर्बिट्रेज। अब इसका क्या मतलब है कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जिसके ऊपर आप क्या करते हो यानी कि काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट देखते हो कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या हुआ, डिस्काउंट मिल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर 30%, किसी के ऊपर 50% मिलता है, यानी कि इस तरह के डिस्काउंट मिलते हैं, तो आप क्या करते हो उसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ले लेते हो और थोड़ी देर बाद उसको अपने पास रखते हो, और उसके बाद जब यानी कि उसको दोबारा यानी कि डिस्काउंट पर आपने लिया और फिर आपने जाकर उस प्रोडक्ट को यानी कि रिटेल में जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें जाकर आप उसको बेच देते हैं, इसको बोलते हैं रिसेलिंग आर्बिट्राज। एंड देन आप एक और प्रोडक्ट आता है यानी कि हैंडमेड, जो कि प्रोडक्ट आपने खुद क्रिएट की और उसको क्या किया यानी कि आप चाहें तो इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर बेच देते हैं, ये होती है हैंडमेड प्रोडक्ट। एंड देन अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक एक मिनट रह गया तो इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना। अच्छा हैंडमेड प्रोडक्ट भी यानी कि ये चार पांच जो है इसके सेलिंग मॉडल है जो कि यूज़ करते हैं, यानी कि अमेजोन आपको क्या करता है यानी कि अलाउ करता है तो आप ये बेच सकते हो। एंड देन आता है कि अमेजोन का अकाउंट, अमेजोन अकाउंट यानी कि ये होता है कि अमेजोन के अकाउंट जो होता है दो तरह का होता है, कि एक जो होता है अकाउंट का ओनर होता है और एक यानी कि जिसको हम पैरेंट अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है चाइल्ड अकाउंट। अब पैरेंट अकाउंट क्या होता है कि यानी कि ये पाकिस्तान में वैसे अनफॉर्चुनेटली अमेजोन की सर्विस अवेलेबल नहीं है और ना ही आपको पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, और ना अमेजोन अलाउ करता है पाकिस्तान में बनाने, तो ये जो पैरेंट अकाउंट होता है ये उस कंट्री में बनता है जिस कंट्री में अमेजोन अलाउ करता है इस अकाउंट को बनाने की। लाइक USA का अकाउंट है, आपने वहाँ पर यानी कि एक अकाउंट बनाया, यानी कि USA में आपने क्या किया अकाउंट बनाया और यानी कि वो हो गया पेरेंट अकाउंट। अब जब पाकिस्तान में बैठे हो तो आप किसी अकाउंट को डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि एक अकाउंट बना हो तो पेरेंट अकाउंट को पाकिस्तान में अगर आप एक्सेस करोगे उसे, तो अगर अमेजोन ने आपका जो IP एड्रेस से देख लिया कि आप पाकिस्तान की IP के ऊपर एक पेरेंट अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो अमेजोन क्या करेगा उसको यानी कि अकाउंट को ब्लॉक कर देगा और उसको यूज़ करने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि अमेजोन की सर्विस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करोगे अपना, आपका जो क्लाइंट है आप उसको बोलोगे आप ऐसा करो मुझे यानी कि एक चाइल्ड अकाउंट बना के दो, वो भी उस सेलर सेंटर से। वहाँ पर आप जाते हो, सेलर सेंटर में सेटिंग का टैब होता है, वहाँ पर आप जाते हो, आपको एक यूज़र परमिशन का टैब मिलता है, तो यूज़र परमिशन में आप क्या करते हो यानी कि एक किसी को यानी कि एक अलाउ कर रहे होते हैं कि आप आकर मेरे सेलर सेंटर के ऊपर ये काम कर सकते हो। लाइक आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो या PPC मैनेजमेंट कर सकते हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट यानी कि वो परमिशन होती है, या यानी कि वो कंप्लीट परमिशन भी दे सकता है कि विद यानी कि पेमेंट मेथड के अलावा बाकी जो होती है वो भी उसको परमिशन दे देता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड अकाउंट। और ज़्यादातर ये जो चाइल्ड अकाउंट होता है यानी कि हम जो एज अ फ्रीलांसर अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं चाइल्ड अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। हाँ अगर पेरेंट अकाउंट को एक्सेस करना हो तो आप उसको डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर है जैसे कि TeamViewer है, AnyDesk है, इनके जरिए आप क्या करते हो कि आपका जो क्लाइंट है लाइक वो USA का है और आप चाहते हो कि आप उसका जो पेरेंट अकाउंट है उसको यूज़ करो, तो देन आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके AnyDesk और TeamViewer के जरिए आप क्या करते हो
अकाउंट को एक्सेस करते हो और आप उनके यानी कि जो उनका कंप्यूटर होता है वो आपको खुद यूज कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के, ये सॉफ्टवेयर आपको इतनी एबिलिटी देते हैं इनको यूज करने की। होप कि आपको पेरेंट और चाइल्ड अकाउंट दोनों का पता लग गया होगा। एंड देन आता है माइंड सेट ऑफ वीए। अच्छा माइंड सेट ऑफ वीए में ये है कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल होना चाहिए ना पहले 6 महीने के लिए, ये भूल जाए कि हमने कुछ यानी कि कमाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें नॉट फॉर अर्निंग। एंड यानी कि 6 महीने लर्निंग करें और यानी कि विद आउट एक्सपीरियंस के बगैर ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिए बगैर आप किसी को जाकर सर वैसे ऐसे ना दे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना कि आप मैंने ये देख लिया तो मुझे ये काम आता है। पहले किसी सीनियर के साथ जाएँ, उनसे रब्ता करें, उनसे मिलते करें कि मुझे ये काम करने दो अपने साथ, मैं आपको यानी कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने आपके लिए फ्री काम करूँगा और देन आप जाकर इसको क्या करो आउटसोर्स करो। पहले यानी कि 6 महीने आपने लर्निंग के तौर पर देनी है। एंड देन आपकी ने एक बार लर्निंग कर ली और आपको एक्सपीरियंस आ गया, आप जाते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को यानी कि अपनी सर्विस यानी कि बेचने जाते हो, तो वहाँ पर ख्याल करना है कि अपनी जो सर्विस है ना वो इतनी चीप नहीं बेचनी, यानी कि इतना अपने आपको सस्ता नहीं बेचना है कि आपने पूरी मार्केट को ही खराब कर दिया। ये ख्याल रखना है कि आपका उसके ऊपर आप किसी भी सर्विस को बेचने के ऊपर क्या सही तरीके है कि किस तरह सही तरीके से बेचा जाए, अपने यानी कि अपने जो काम का पैसा है किस तरह लिया जाए, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उस यानी कि काम को करने के लिए कितना वक्त लग रहा है आपका और आपके उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, आपके इलेक्ट्रिसिटी है और उसके बाद इंटरनेट है, आप उनकी कॉस्ट को अदा करो और उसके बाद आप अपने यानी कि एक टाइम है लाइक आप चाहते हो कि मैं 1 घंटे का ना मेरी कोर्स के अलावा जो यानी कि इंटरनेट कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी कोर्स है और इसके अलावा मैं 1 घंटे का $5 यानी कि चार्ज कर सकता हूँ, तो आप कस्टमर से यानी कि $5 या $10 मैं 1 घंटे का चार्ज करूँ, तो इसी के मुताबिक आपने देख के यानी कि क्लाइंट से पैसे लेना। ये नहीं कि आपने काम हो तकरीबन 10 घंटों का या 12 घंटों का और आपने कहें कि नहीं मैं तो ये 30-40-50 हज़ार में कर दूंगा, तो इस तरह यानी कि नहीं करना कि अपने आप को बहुत सस्ता नहीं बेचना। एंड देन आता है अपने आप को ऐसे यानी कि काम कैसे लें एज अ बिगिनर, ये बताने लगा कि एज अ बिगिनर आप काम कहाँ से लें आपके पास काम, यानी कि ऐसा करें कि अपने आप को हाईलाइट करें, यानी कि आप एक मैं ग्रुप की सजेशन दूंगा, एक स्टीम कॉमर्स है और दूसरा ई कॉमर्स का इनेबलर है और इस तरह के और भी ग्रुप है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आप एज अ बिगिनर हो और आपको काम आता है और आपको यानी कि कोई काम नहीं दे रहा, तो आप जाओ उन ग्रुप में जो बंदा क्वेश्चन करता है या कोई पूछता है इससे रिलेटेड अगर आपको आता है तो आप उससे क्या करो आंसर करो, यानी कि किसी भी ग्रुप में जाकर पोस्टिंग करो, अपने आप को हाईलाइट करो, शो करो कि वाकई मुझे ये काम आता है। तो वहाँ पर अगर किसी बंदे को आपका आंसर अच्छा लग गया और बंदे ने अगर अपने बार बार डेली यानी कि डेली अगर ये काम करना स्टार्ट कर दो तो कोई ना कोई बंदा आपको वहाँ से पिक कर लेगा, आपके कमेंट को रीड करते हुए या आपकी पोस्ट को रीड करते हुए कोई बंदा आकर आपको ये आजमा, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो वाकई ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, ऐसे एक पोस्ट की थी तो मेरे पास लाने कितनी एक्सपर्टीज नहीं थी, तो मैंने एक ग्रुप में ऐसे पोस्ट कर दी तो मेरे पास तकरीबन विद इन 1 आवर मैंने कहा देख तो लूँ, बंदे कहते हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्स आता है रिस्पॉन्स आता है, तो मैंने ऐसे एक ग्रुप में जाकर पोस्ट बना के कर दी, मेरे पास यही स्किल है, हालांकि मेरे पास स्किल कुछ भी नहीं थी, तो विद इन 10 मिनट मेरे पास तकरीबन 5 बंदों के इसमें आईडी में मैसेज आ गए कि बताओ कि कितना चार्ज करोगे कैसे होगा ये होगा। अब मेरे पास तो मैंने क्या किया उनको पढ़ तो लिया, अब उनके साथ जो कुछ मेरे पास आता था और दो कस्टमर ने किसी ने मुझे ऑफर की कि मैं आपको ये करूँगा तो आप मेरे लिए प्रोडक्ट फाइंड करो शुरू में, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा काशिप ये काम जो है अच्छा नहीं होगा, पहले तो लर्निंग कर लो, तो मुझे तकरीबन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ इस फील्ड में, तो मुझे हो गया तकरीबन इस फील्ड में हो गया तकरीबन 1.5 महीने या 2 महीने हो गया, तो अभी मैं खुद भी लर्निंग के फेस में हूँ और ये कुछ नॉलेज था जो आप भाइयों के साथ शेयर किया है, होप कि आपको अच्छा लगा होगा और कोई बात अगर समझ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गेम थैंक यू। ये चाइल्ड अकाउंट को एक दफा दोबारा सर एक्सप्लेन कर दे। अच्छा जब भी आप अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि अमेज़न आपको अलाउ करता है कि अकाउंट बनाए, तो अमेज़न की जो सर्विस है ना वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने आपको पहले ही बताया कि अवेलेबल नहीं है, अगर आप पाकिस्तान की आईपी से अमेज़न का अकाउंट बनाओगे भी सही तो अमेज़न उसकी अलाउ नहीं करता,
और अगर आप किसी और कंट्री का अकाउंट अगर पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करोगे तो तब भी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर अमेजोन को पता लग गया, उसने अगर आपकी आईपी को ट्रेस कर लिया तो आपकी यानी कि अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हो, तो यूएसए में जाते हो या किसी और किस उस कंट्री में जिसमें अमेजोन की सर्विस अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, अकाउंट बनाते हो। उसके बाद एक मिनट, तो आप क्या करते हो वहाँ पर दूसरी जिस कंट्री में अलाउ करते हैं अमेजोन, आप वहाँ पर करते हो अकाउंट बनाते हो, और उसके बाद यानी कि आप नहीं बनाते तो कोई क्लाइंट का अकाउंट होता है, तो फिर वहाँ क्या करते हैं, जब आप क्लाइंट को हंट करते हो, क्लाइंट को अपने राज निकालिए कि मैं सर्विस दूंगा, तो क्लाइंट आपको डायरेक्ट अपने अकाउंट की यानी कि वो एक्सेस नहीं देगा, आपने ना ही उससे डायरेक्ट लेनी है। अगर डायरेक्ट लेनी है तो उसके लिए आपको दो यानी कि आप VPS या VPN यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस। ये वो क्या करता है कि आप बैक करते हो, उससे आपकी जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है, वो किसी और सर्वर के ऊपर आपको दूसरी कंट्री के सर्वर के ऊपर आपको क्या करता है, मूव कर देता है, तो आप उस कंट्री का VPS बैक कर सकते हो। तो वहाँ पर आता है पैरेंट अकाउंट में सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, सेटिंग के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है यूज़र परमिशन का। वहाँ पर यूज़र परमिशन से आप अलाउ कर रहे होते हो कि ये जो यूज़र है मैं उसको यानी कि किसी को सर्विस देना चाहता हूँ अपने अकाउंट की एज अ VA। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप शॉप पे आते हो, तो कोई फिजिकल शॉप है वहाँ पर आप किसी को रखते हो, तो वहाँ पर उसको बोलते हो कि ये तुम अपनी पूरी यानी कि शॉप बता देते हो कि मेरी शॉप है यहाँ पर, यानी कि वो सर्विस ये कर रहा होता है। तो एज अ वो भी क्या करता है कि यानी कि आपको एक परमिशन देता है, यूजर परमिशन के ऊपर जैसे वो क्लिक करता है तो वहाँ पर उसके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सी ऑप्शन देना चाहते हो, कि आप उसको यानी कि कोई एक वर्क देना चाहते हो या पूरे सेलर सेंटर की, वो यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड।